आइए एक बहुत महत्वपूर्ण और खबर की बात करें। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कस्टम और एक्साइज के 15 अधिकारियों को डेडवुड बताकर जबरन रिटायर कर दिया गया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन पर गंभीर आरोप लगे थे कि कस्टम और एक्साइज में इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अपनी बनाई है। इसके पुख्ता प्रमाण सारे मिल चुके थे और NDA की दूसरी पारी की कमान कर रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो वचन दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की कहावत को पूरी तरीके से यथार्थ करते हुए इन 15 कस्टम के अधिकारियों पर जबरन रिटायरमेंट करके उन्हें घर भेज दिया है। खबर यह भी है इन पर बहुत से केसेस भी भ्रष्टाचार के चलने वाले हैं। इसी तर्ज पर राष्ट्रपति शासन जो जम्मू कश्मीर में जारी है, उसकी कमान कर रहे राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी जो लिस्ट बनाई है, कई उसमें डेडवुड आने वाली हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं। इनमें कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो IPS IAS सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, उन पर भी गाज गिरने वाली है। कई राजनेता हैं जिसमें से वो भी लोग हैं जिन्होंने विधानसभा के स्पीकर के नाते बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया और कई अवैध नियुक्तियां की। 3 ऐसे स्पीकर हैं, किसी समय भी किसी पर गाज गिर सकती है। वहीं JK बैंक के चेयरमैन को इसलिए हटाया गया, भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को उन्होंने पार कर दिया था। उसमें सत्ताधारी दल जो पिछला था उसमें एक सत्ताधारी दल की बात मानते हुए अवैध नियुक्तियाँ की और डिजर्विंग कैंडिडेट रह गए, बाकियों को बहुत सी नौकरी दी, और भी बहुत से कांड उन्होंने किए। अब यही खबर आ रही है कि जिन्होंने उसको भ्रष्टाचार में साथ दिया वो ज़्यादा PDP से भी हैं, उन पर भी गिरफ्तारी जो है उसकी तलवार लटक रही है। यही बस नहीं, कई ऐसे बाहर विदेशों में गए हुए जम्मू कश्मीर राज्य के कर्मचारी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर भी बहुत जल्द नकेल कसने वाली है। यानी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की कहावत प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्रपति के शासन के अधीन कमान कर रहे राज्यपाल महामहिम सत्यपाल मलिक ने भी आरंभ कर दी है। फिलहाल अभी इतना ही, अगला बुलेटिन कुछ समय के बाद खबर और खबर के पीछे हम आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।